हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी चैनल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल बिफोर यू वॉच द वीडियो एंड क्लिक द बेल आइकन बिफोर यू वॉच द वीडियो। तो आज फ्रेंड्स हम शुरू करते हैं डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट सबसे पहले पढ़ते हैं होता क्या है। इट इज़ ए वैक्टर क्वान्टिटी है। इट इज़ कैरेक्टरिस्टिक बोन पोलर बोन एंड डिफाइंड एज ए प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीच्यूड ऑफ चार्जेस। ओके फ्रेंड्स, चार्ज डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। तो एक एक वेक्टर क्वांटिटी है और चार्ज इनटू बॉन्ड लेंथ का मल्टीप्लिकेशन होता है। ओके फ्रेंड्स, तो म्यू इक्वल्स टू क्यू इनटू एल हो गया। तो अब देखते हैं हम इसकी एसआई यूनिट्स। देखिए फ्रेंड्स, एसआई यूनिट्स होती हैं इसकी कूलम मीटर। तो और नॉन एसआई यूनिट्स होती हैं, अगर लेंथ एंगस्ट्रॉम में गिवन है तो उसको हम मीटर में चेंज करेंगे। 10^-10 मीटर और 10^-8 सेंटीमीटर। और अगर चार्जेस है जो, तो चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10^-19 कूलम। तो अगर मैं ESU में चेंज करता हूँ तो 4.8 × 10^-10 ESU। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब म्यू बार म्यू होता है क्यू इंटू एल होता है। तो 4.8 × 10^-10 हो गया और × 10^-8 हो गया। अब अगर इसको सॉल्व करते हैं तो इतना हमारे क्या आता है, 4.8 × 10^-18 ESU सेंटीमीटर। और ये जो 10^-18 1dy के बराबर होता है। ओके फ्रेंड्स, तो 10^-18 ESU सेंटीमीटर 1dy के बराबर होता है। ओके फ्रेंड्स, तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड में, अगर कोवेलेंट बॉन्ड में परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालने के दो मेथड होते हैं। तो पहला मेथड होता है डाइपोल मोमेंट मेथड से हम कोवेलेंट कंपाउंड्स में आयनिक कैरेक्टर बता सकते हैं। तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालने का फॉर्मूला हो गया म्यू ऑब्जर्व्ड अपॉन म्यू कैलकुलेटेड इनटू 100। ओके फ्रेंड्स, तो जो म्यू ऑब्जर्व होगा ये एक्सपेरिमेंटल हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, म्यू कैलकुलेटेड हम थ्योरेटिकल निकालेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब हम एक क्वेश्चन पर आते हैं, ये नेट में आया हुआ है क्वेश्चन। तो जैसे हमें डाइपोल मोमेंट एक मॉलिक्यूल का गिवन है, 1.03 dy गिवन है और लेंथ दे रखी है हमें 1.37 angstrom। तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर पूछा है, तो म्यू ऑब्जर्व्ड हमें गिवन है 1.03 dy हो गया। ओके फ्रेंड्स, और म्यू कैलकुलेटेड क्या हो गया, क्यू इंटू एल हो गया। म्यू कैलकुलेटेड हम निकालते हैं, क्यू हमें पता ही है, अभी हमने ऊपर निकाला है 4.8 × 10^-18 ESU निकाला है चार्जेस अगर ESU की बात करें तो 4.8 × 10^-10 ESU। ओके फ्रेंड्स, और हमें अब हम इसकी नॉन एसआई यूनिट्स में चेंज करेंगे हम इसको, तो 1.37 लेंथ है × 10^-8 मतलब सेंटीमीटर में चेंज करते हैं। तो ESU सेंटीमीटर dy के बराबर हो गया। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो गुणा में जो पावर होती है, मल्टीप्लिकेशन में पावर प्लस हो जाती हैं। तो 1.37 × 10^-4.8 × 10^-18 ये dy के बराबर हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो इसको सिंपली मल्टीप्लीकेशन करके हमारा आ गया 6.576 dy। ओके फ्रेंड्स, म्यू कैलकुलेटेड। तो अब हम इस फॉर्मूले में रख देते हैं, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इक्वल्स टू म्यू ऑब्जर्व्ड अपॉन म्यू कैलकुलेटेड इनटू 100। तो 1.03 अपॉन 6.576 इनटू 100। तो इसको सॉल्व करते 15.66% आ गया हमारा आयनिक कैरेक्टर। ओके फ्रेंड्स, अब इसका दूसरा मेथड होता है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालने का, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मेथड। ये किसने दिया था, भाई हेनरी एंड स्मिथ ने दिया था। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इसमें ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इक्वल्स टू 16 × Ka − Kb + 3.5 × Ka − Kb कोहल स्क्वायर। काई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ए एटम की और काई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम बी में, बी एटम की। अब फ्रेंड्स एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ, गेट में आया हुआ है क्वेश्चन। तो फाइंड द परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इन NF, इन NF3 में NF का परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालने को पूछा था। तो हमें पता है फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होती है, नाइट्रोजन की 3 होती है। तो काई ए माइनस काई बी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, तो 1 आ गया। तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का हम फॉर्मूला लगा देंगे फ्रेंड्स इसमें। तो 16 × Ka − Kb यानी 4 − 3 = 1 + 3.5 × Ka − Kb का होल स्क्वायर
फोर माइनस थ्री का होल स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, तो 16 प्लस 3.5 आ गया इक्वल्स टू 19.5 परसेंटेज आ गया। ओके फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स हम देखते हैं नेचर ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का क्या नेचर होना चाहिए, कोवेलेंट मॉलिक्यूल इधर। अब जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल होगा फ्रेंड्स, वो या तो कोवेलेंट हो सकता है या पोलर हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, अगर म्यू की वैल्यू अगर जीरो है तो इसका मतलब देन मॉलिक्यूल इज सपोज टू बी नॉन पोलर, तो वो नॉन पोलर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, अगर एक से ज़्यादा है, अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, जीरो से ज़्यादा है, तो मॉलिक्यूल विल बी पोलर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, एक वेक्टर समेशन होता है, जो नेट डाइपोल मोमेंट होता है वो एक वेक्टर समेशन होता है। ओके फ्रेंड्स, तो जैसे ए और बी है, ओके फ्रेंड्स, तो सपोज मान लिया हमने ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो एक बात ध्यान रखना है केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो एक बात ध्यान रखनी है केमिस्ट्री में जो म्यू का साइन होता है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिव की तरफ चलता है। ओके फ्रेंड्स, मैं केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, फिजिक्स में उल्टा होता है। तो सपोज मान लो यहाँ पर बी का की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है ए से, तो जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा प्लस से माइनस की तरफ होगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये तो म्यू नेट क्या हो गया फ्रेंड्स, अंडर रूट म्यू वन स्क्वायर प्लस म्यू टू स्क्वायर प्लस टू म्यू वन म्यू टू कॉस थीटा। ओके फ्रेंड्स, म्यू अंडर रूट म्यू वन स्क्वायर प्लस का स्क्वायर प्लस म्यू टू स्क्वायर प्लस टू म्यू वन म्यू टू कॉस थीटा। तो म्यू नेट क्या हो गया, डायरेक्ट रिलेशन हो गया अंडर रूट कॉस थीटा के, और इनवर्स रिलेशन हो गया अंडर रूट थीटा के। ओके फ्रेंड्स, अब जो फैक्टर्स अफेक्टिंग डाइपोल मोमेंट, अब डाइपोल मोमेंट के फैक्टर, वो चार फैक्टरों के ऊपर डिपेंड करेगा डाइपोल मोमेंट। पहला फैक्टर डायरेक्ट रिलेशन होगा काई ए माइनस काई बी, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के माइनस के बराबर, के डिफरेंस के बराबर डायरेक्ट रिलेशन होगा, और चार्जेस के डायरेक्ट रिलेशन होगा। ओके फ्रेंड्स, चार्जेस के डायरेक्ट रिलेशन होगा, और थर्ड पॉइंट है लेंथ, जो बॉन्ड लेंथ होगा उसके भी डायरेक्ट रिलेशन होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और चौथा फैक्टर है इनवर्स रिलेशन होगा अंडर रूट थीटा के। ओके फ्रेंड्स, अब पहला आता है डाइपोल डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की अगर हम बात कर रहे हैं, अगर वो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है और होमोन्यूक्लियर है, मतलब Cl2 हो गया, N2 हो गया, O2 हो गया, Br2 हो गया, यानी एक इस टाइप के हो गए नॉन पोलर, तो इनका डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब अगर मैं हेट्रो एटम की बात करें, है डाई एटॉमिक की, HCl, HBr, CLF, पोलर, तो ये कौन से हो गए, पोलर कंपाउंड्स हो गए। ओके फ्रेंड्स, तो इनका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। ओके, अब अगर बात कर रहा हूँ पॉली एटॉमिक स्पीशीज की, तो जैसे वाटर है, मैंने आपको बताया कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ इसका डायरेक्शन होगा, तो प्लस से, तो ये लोन पेयर हो गए। ओके फ्रेंड्स, तो ये हाइड्रोजन और इसका ऑक्सीजन की तरफ हो गया, ये इधर हो गया, और ये लोन पेयर का इधर हो गया, तो नेट डाइपोल मोमेंट ऊपर अपवर्ड्स हो गया, तो डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, अपवर्ड हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो लोन पेयर, एक बात ध्यान रखनी है, लोन पेयर का डाइपोल मोमेंट ऑलवेज अवे फ्रॉम सेंट्रल एटम, जो लोन पेयर का डाइपोल मोमेंट होगा वो हमेशा दूर होगा सेंट्रल एटम से। ओके फ्रेंड्स, अब एक नोट करने वाली बात है, जो म्यू होगा ना, डाइपोल मोमेंट ऑफ आयनिक कंपाउंड का डाइपोल मोमेंट हमेशा पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव वैल्यू आती है, कभी भी जीरो नहीं होता आयनिक कंपाउंड का। ओके फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात कर रहे हैं, NF3 हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो NF3 में देखिए फ्रेंड्स, लोन पेयर का अपवर्ड हो जाएगा, फ्लोरीन और नाइट्रोजन और फ्लोरीन, इसमें फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर की तरफ होगी, इसके इधर की होगी, इसके इधर की होगी। तो फ्रेंड्स देखिए, इनका टोटल डाइपोल मोमेंट नीचे की तरफ, इसका अपवर्ड, तो टोटल म्यू नेट जो हो गया वो सब्ट्रैक्टिव हो गया यहाँ पे। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स, दूसरा मैं एग्जांपल ले रहा हूँ NaCl और HCl, तो डाइपोल मोमेंट प्लस से माइनस हो गया। अब क्वेश्चन यहाँ पर पुटअप होता है, डाइपोल मोमेंट ज़्यादा किसका होगा, तो NaCl एक आयनिक कंपाउंड है और कोवेलेंट और HCl एक कोवेलेंट कंपाउंड है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होता है ऑलवेज। ओके फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ ले रहा हूँ मैं, PCl3F2, तो इसकी ज्योमेट्री TBP होगी, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, क्लोरीन इधर होगा और फिर ये क्लोरीन का इधर, तो ये क्लोरीन का इधर, तो तीनों डायरेक्शन में कैंसिल हो जाएगा, ये फ्लोरीन अपवर्ड, एक फ्लोरीन डाउनवर्ड, तो वो भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये यहाँ पर डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स हम
हम दूसरा कंपाउंड ले रहे हैं पी सी एल टू एफ थ्री ले रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर दो क्लोरीन का इधर हो जाएगा ये, बट फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो बट यहाँ पर कैंसल आउट नहीं होगा, इस प्लेन में डाइपोल मोमेंट कैंसल आउट नहीं होगा, बट इस वाले प्लेन में ये ऊपर अपवर्ड हो जाएगा, ये डाउनवर्ड, तो ये डाइपोल मोमेंट कैंसिल हो जाएगा, बट ओवरऑल नेट डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स मैं लास्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, मैंने एक ऑर्थोक्लोरोबेंजीन लिया, मैंने मेटाक्लोरोबेंजीन लिया और पैराक्लोरोबेंजीन लिया। ने ये नेट में क्वेश्चन आया हुआ है, ये ऑर्थो हो गया, ये मेटा हो गया, ये पैरा हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, जो पैरा में होगा ये ऊपर होगा और ये नीचे होगा, तो ये डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा, यहाँ पर मेटा में डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा और ऑर्थो में भी डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। यहाँ पर थीटा 60 डिग्री है, यहाँ पर थीटा 120 डिग्री है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमें पता है कि जो डाइपोल मोमेंट है वो इनवर्स रिलेशन होता है अंडर रूट थीटा के, तो जिसका थीटा सबसे कम उसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो म्यू ऑर्थो का सबसे ज्यादा होगा, फिर म्यू मेटा का हो जाएगा, फिर म्यू पैरा का सबसे कम हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो दैट्स इट फ्रॉम द डाइपोल मोमेंट। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो शेयर द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय ईश्वरी। ओके फ्रेंड्स, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।